स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कलाम ग्लोबल कोचिंग क्लासेस पर। अभी ये जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते हुए सभी कोचिंग संस्थान शिक्षण संस्थान बंद होने की वजह से सभी स्टूडेंट्स जो तैयारी करने वाले हैं उनकी कक्षाएं प्राय रुकी हुई हैं। अतः हम आज से और निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। आज ट्राई के तौर पर घर से ही हम एक वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं। आप इसको देख करके कमेंट करके बताएं कि कैसा रहा या कौन कौन से टॉपिक और पढ़ाने हैं, किन टॉपिकों की विशेष ज़रूरत है, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हम आगे नियमित रूप से इसी प्रकार से कक्षाएं देते रहें। हम आज ट्राई के तौर पर एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं और वो वीडियो पहले की कक्षाओं में दिल्ली सल्तनत चल रहा था। दिल्ली सल्तनत में हमने इल्तुतमिश को पढ़ना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया था और इल्तुतमिश को पढ़ना है। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 से 1210 ईस्वी तक। ये 1206 से 1210 ईस्वी का तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आता है इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और वो आगे चल करके 1210 के बाद में शासक बनता है। यहीं से हम आज इल्तुतमिश से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे इल्तुतमिश का बिल्कुल सही नाम यह है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जिसका शासनकाल है 1211 से 1236 ईस्वी तक, 1211 से 1236 ईस्वी तक। पहले कुतुबुद्दीन था, उसके बाद में इल्तुतमिश आया। हालांकि ये बात ध्यान में रखना कि 1206 से 1290 ईस्वी तक का जो काल है, इस काल को गुलाम वंश का शासनकाल माना जाता है और इस गुलाम वंश के शासनकाल के अंदर 1206 से 1290 तक का जो है इसमें तीन राजवंश थे। तीन राजवंश कौन कौन से थे? सबसे पहले था कुतुबी वंश, दूसरा था शमसी वंश और तीसरा था बलबनी वंश। अब इसमें कुतुबी वंश है ये तो 1206 से 1210 तक रहा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। फिर शमसी वंश है ये 1211 से 1236 ईस्वी तक है, जो प्राय इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है ये है। बलबनी वंश जो है, ये बलबनी वंश जो आगे आता है, इसके बाद में रजिया सुल्तान शासक बनती है। रजिया सुल्तान के बाद में रजिया सुल्तान के भाई हैं वो शासक बनते हैं और ये 1236 से आगे और 1265 तक का शासनकाल ये शमसी वंश का हो जाता है। फिर बलबनी वंश है ये 1265 से लेकर के और 1290 तक चलता है। अब इसके अंदर हम दूसरा जो ये स्टेप है शमसी वंश वाला, शमसी वंश के अंदर शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये पढ़ने जा रहे हैं। वैसे भारत के अंदर गुलाम वंश का जो संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने एक गुलाम के रूप में ही शासन किया। 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, उसके बाद में ये स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होकर के और उसने फिर शासन किया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने
और अपनी राजधानी को उसने लाहौर में ही रखा। भारत में दिल्ली उसने राजधानी नहीं बढ़ाई, दिल्ली राजधानी नहीं बढ़ाई, इसलिए ये भारत में गुलाम वंश का संस्थापक तो है लेकिन वास्तविक संस्थापक इसको नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाएगा? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो पुत्री जो थी, अपनी पुत्री का विवाह है उसने इल्तुतमिश से किया और अपने मरने के बाद में इल्तुतमिश को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इसलिए आगे चलकर के इल्तुतमिश है ये शासक बनता है। अब अपने को विशेष करके पूरी जानकारी पढ़नी है किसकी? इल्तुतमिश की पढ़नी है। इल्तुतमिश का पूरा अध्ययन करने के लिए अपने को विशेष तौर से यह देखना है, सरल रहेगा, बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, हमने जो ये नाम लिखा है इस नाम की व्याख्या ही याद कर लो सिर्फ, कि कौन से शब्द से क्या शब्द बनेगा, ये जो हमने सेट किया है सिर्फ आप वो ही याद कर लो, बस इल्तुतमिश की सारी जानकारी अपने आप तैयार हो जाएगी। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, से आता है, से बना लो शमसी वंश। क्या नाम बन गया? शमसी वंश। हमने पहले भी बता दिया कि इल्तुतमिश जो था ये शमसी वंश का था, हालांकि ये पूरा शासनकाल गुलाम वंश का शासनकाल ही माना जाता है, लेकिन गुलाम वंश में ही और ये शमसी वंश का था। ठीक है, से एक नाम और बनता है, सर ए जानदार। सर ए जानदार, ये सर ए जानदार क्या है? ये इसकी उपाधि है। और ये सर ए जानदार की उपाधि इल्तुतमिश को किसने दी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी। तो ये भी प्रश्न तैयार हो गया। कई बार ऐसा प्रश्न आ भी सकता है कि इल्तुतमिश को सर ए जानदार की उपाधि किसने दी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी। तो सिर्फ एक शमसुद्दीन का जो है, इस से हम एक और दो प्रश्नों को हमने तैयार कर लिया। ठीक इसी प्रकार आगे हम यहां तक पूरा अध्ययन करेंगे, तब तक इल्तुतमिश की पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अब दूसरा ये क्या है? मैं से आप एक याद रख लो, मोहम्मद जुनेदी। कौन है? मोहम्मद जुनेदी। मोहम्मद जुनेदी कौन था? मोहम्मद जुनेदी इल्तुतमिश का वजीर था। प्रश्न सीधा प्रश्न आता है ये परीक्षाओं में, इल्तुतमिश का वजीर कौन था? मोहम्मद जुनेदी था। अब यही नहीं रुको, यदि और आगे बढ़ाया जाए तो हम मैं से और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और नाम लिखता हूं देखो, मदरसा ए नासिरी। क्या है? मदरसा ए नासिरी। इल्तुतमिश ने एक मदरसा बनवाया था और मदरसा कहां बनवाया? दिल्ली में बनवाया, मदरसा ए नासिरी नाम का, क्योंकि उसका एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद। उस अपने पुत्र की मृत्यु हो गई, अपने पुत्र की याद में उसने दिल्ली में एक मदरसा बनाया जिसका नाम था मदरसा ए नासिरी। और एक मदरसा और बनाया, मदरसा ए मुईजी। दो मदरसे बनवाए, मदरसा ए मुईजी। ये मदरसा ए मुईजी कहां पर है? ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है। बहुत अच्छा प्रश्न एक और बनता है, इसी क्रम में एक और प्रश्न बनता है। इसके नीचे मान लिया हम नाम लिखते हैं मंसूर, अर्थात मंसूर से वैधानिक मान्यता। दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था, ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने बगदादी, बगदाद के अब्बासी खलीफा, बगदाद का अब्बासी खलीफा
बिल्ला है, मुस्तन, सिर, मंसूर, ये उसी का नाम था। लास्ट में ये मंसूर आता है, को मंसूर याद रख लो, बगदाद के अब्बासी खलीफा बिला है मुस्तनसिर मंसूर से उसने भारत में शासन करने की वैधानिक मान्यता प्राप्त की और माध्य मान्यता प्राप्त करके और उसने एक उपाधि भी धारण की थी। वो कौन सी? उस उपाधि का नाम यहां नए से जोड़ लो, नासिर अमीर अल मोमिनीन की उपाधि धारण करके और ये हिंदुस्तान का शासक बना और उसने अपनी राजधानी थी वो राजधानी उसने कहां बनाई? दिल्ली राजधानी बनाने वाला, दी से दिल्ली। इल्तुतमिश की राजधानी कहां थी? इल्तुतमिश की राजधानी थी दिल्ली, उसकी राजधानी थी, अर्थात दी से उसने दिल्ली राजधानी बनाई। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? लाहौर थी। तो दिल्ली राजधानी बनाकर के शासन किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने किया। इसलिए इल्तुतमिश को भारत में दिल्ली सल्तनत का अर्थात भारत में तुर्क शासन का और एक वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। बीच में एक और बच गया, क्या नाम बच गया? सू बच गया। नहीं, सू से क्या आएगा? सूबेदार, 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 सूबेदार था ये। कहां का था सूबेदार? ये सूबेदार शासक बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? ये बदायूं का सूबेदार था। और आगे नाम क्या है? देखो, शमसुद्दीन, इस नाम से कितने प्रश्न मिल गए? 2% ये मिल गए। ये उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। मोहम्मद जुनेदी उसका वजीर था, मदरसा नासिरी दिल्ली में उसने मदरसा बनाया, मदरसा मुजी दिल्ली में मदरसा बनवाया। मंसूर बगदाद के अब्बासी खलीफा से उसने वैधानिक मान्यता प्राप्त की और ये इसने उपाधि धारण की। अब इतनी जानकारी मिल गई। इसके साथ में ये जो पहला सह से एक और जोड़ लो, सादुल मुल्क, क्या नाम है? सादुल मुल्क। ये सादुल मुल्क कौन था? ये उसका आरिज ए मुमालिक, ये उसका आरिज मुमालिक था। अब एक के बाद एक इसी प्रकार से प्रश्न जुड़ते जाते हैं। आगे इसका मुख्य नाम इल्तुतमिश जो इतिहास में फेमस है, वो नाम तो अभी उसका बचा हुआ है। सारी जानकारी इस प्रकार से मिलती जाएगी। अब देखो, यहां तक हमने इसके आधे नाम की व्याख्या की है, आधे नाम की आगे व्याख्या करते हैं। यहां से सबसे पहले ई है, ई से इकता प्रथा अर्थात इकता प्रणाली विकसित करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इकता क्या होता है? इकता एक हस्तांतरणीय भूभाग होता था जो वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा मिलता था, उसको क्या बोलते थे? इकता बोलते थे। और साथ में यदि लय को जोड़ दिया जाए तो देखो, इलबारी जाति का तुरक था, इलबारी जाति का तुरक। इल्तुतमिश कौन था? इलबारी जाति का तुरक था। तो इसके साथ में 2% मिल गए, आराम से ठीक प्रकार से याद हो जाएंगे। फिर देखो, तू यहां लिखते हैं, तुर्कान ए चहलगानी, क्या है? तुर्कान ए चहलगानी। इल्तुतमिश को गुलामों का बहुत अच्छा बड़ा सहयोग था, उसको गुलाम रखने का बहुत बड़ा शौकीन था और उसने बहुत सारे गुलामों का एक समूह है बनाया, अर्थात 40 गुलामों का एक समूह है बनाया। उस 40 गुलामों के समूह है को इतिहास में क्या कहा जाता है? तुर्कान ए चहलगानी। और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आया है कि तुर्कान ए चहलगानी का संबंध किससे है। 40 गुलामों का समूह है किसके दरबार में रहता था? ऐसे कई प्रश्न है।
तो तुकान ये चहलगानी और फिर क्या है तय। देखो इनसे भी बहुत कुछ प्रश्न निकलेंगे। तय से देखो एक यहां लिखता हूं तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में। तय से तराइन का तृतीय युद्ध, ज्यादा करके लड़के तराइन के दो युद्ध ही पढ़ते हैं कि 1191 में हुआ 1192 में हुआ, लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था। और ये हुआ कब? 1215 में। किस किस के बीच में? इल्तुतमिस और इल्तुतमिस ने प्रास्त किसको किया? ताजुद्दीन यल्दोज को। ताजुद्दीन यल्दोज को प्रास्त किया, ताजुद्दीन यल्दोज को बंदी बना लिया और इल्तुतमिस ने ताजुद्दीन यल्दोज को बदायूं के किले में ले जाकर के उसका वध कर दिया। इस प्रकार से त्रयन का तृतीय युद्ध तय से जुड़ गया, सीधा जुड़ गया। और बताएंगे देखो ऐसी जानकारी और आएगी। एक नाम तारकिन का दरवाजा। देखो तारकिन का दरवाजा, सीधा प्रश्न आता है परीक्षाओं में, तारकिन का दरवाजा कहां है? तारकिन का दरवाजा नागौर राजस्थान में है, तारकिन का दरवाजा। और तारकिन के दरवाजे को बनाया किसने? इल्तुतमिस ने बनाया। अब इसके नाम से ही बहुत सारे प्रश्न इनके साथ में जोड़ करके हम इन महत्वपूर्ण जानकारी जो है इनको हम जोड़ करके याद रख सकते हैं। तारकिन का दरवाजा उसने कहां बनवाया? नागौर में बनवाया। आगे फिर देखो मी और जुड़ा हुआ है मी। चलो यहां से मिटा देता हूं एक बार। मी से मिनहाजुद्दीन सिराज अर्थात इतिहास में प्रसिद्ध है मिनहाज सिराज के नाम से। जो इतिहासकार था मिनहाज सिराज, वो मिनहाज सिराज इल्तुतमिस के दरबार में रहता था, जिसने ग्रंथ लिखा था तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी नामक उसने ग्रंथ लिखा। अब देखो मी से अपने को जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी थी वो सारी तो याद हो गई। आगे एक शब्द बचा है, कौन सा? सह बचा है। सह से अपने को लिख लो शुद्ध अरबी सिक्के, अर्थात भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क शासक, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? वो कौन था? इल्तुतमिस था। हालांकि उसने शुद्ध अरबी सिक्कों के साथ में उसने चांदी के टंके भी चलाए थे, उसने तांबे के जीतल भी चलाए थे, लेकिन शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला कौन था? इल्तुतमिस था। और देखो इसकी कई महत्वपूर्ण बातें और भी हैं, वो एक्स्ट्रा और बता रहा हूं आपको। बारह सो छब्बीस ईस्वी में इल्तुतमिस ने राजस्थान में आक्रमण किया। कहां किया? रणथंभौर, जो राजस्थान के स्वाईमाधोपुर जिले में रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग के ऊपर उसने आक्रमण किया। 1226 में रणथंभौर को जीता। रणथंभौर के बाद में उसने राजस्थान के जालौर के चौहान शासकों से अधीनता स्वीकार करवाई। उसने राजस्थान में बयाना को जीता और उसने अजमेर को जीता और नागौर, इन रियासतों के ऊपर उसने अधिकार किया। नागौर के ऊपर तो उसने अधिकार किया, तभी तो उसने वहां पर तारकिन का दरवाजा बनवाया था। ये तो पहले से ही चर्चा में है। उसके अलावा एक 1221 की घटना और है, अपने को पहले बतानी चाहिए थी। 1221 के अंदर दिल्ली के ऊपर मंगोल आक्रमण हुआ। क्या हुआ? मंगोल आक्रमण। और मंगोल आक्रमण से और उसने दिल्ली की रक्षा की, दिल्ली को बचाया। मंगोल आक्रमण करने वाले कौन थे?
मंगोल आक्रमण करने वाला चंगेज खान ख्वारिज्म जो था उसका सहाय जलालुद्दीन मांगवर्नी था। कौन था? जलालुद्दीन मांगवर्नी। और जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक मांगवर्नी आ गया, लेकिन सिंधु नदी के बाद में मांगवर्नी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया और इल्तुतमिश ने उसने शरण नहीं दी मांगवर्नी को, शरण नहीं दे करके एक बहुत अच्छा उसने उदाहरण पेश किया था। ये जानकारी हो गई। अब देखो आगे की बात क्या है। इल्तुतमिश 1236 ईस्वी के अंदर और बनियान आक्रमण के दौरान घायल हो गया, बीमार हो गया और घायल होने के दरमियान कहते हैं कि 29 अप्रैल कब की बात है, 29 अप्रैल 1236 ईस्वी को और इल्तुतमिश का निधन हो गया। अब इल्तुतमिश का निधन हो गया तो आगे इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने 4 पुत्रों को अयोग्य समझ करके और अपना उत्तराधिकारी किसने तय किया था? रजिया सुल्तान को किया था। लेकिन 1236 के अंदर इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद में इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह है ये शासक बन गया और शासक कितने दिन रहा? सिर्फ 7 माह रहा। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह है ये शासन करने के ये तो योग्य नहीं था, लेकिन इल्तुतमिश की पत्नी और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां जिसका नाम था साहेब तुर्कान, क्या नाम था? साहेब तुर्कान। ये साहेब तुर्कान बिल्कुल क्रूर स्वभाव की थी लेकिन उसके साथ साथ में विद्वान भी थी और साहेब तुर्कान ने वास्तविक शक्ति को अपने हाथों में ले लिया और साहेब तुर्कान शासन चलाती रही। और इल्तुतमिश की पुत्री जो रजिया थी, रजिया ने भी और कहते हैं कि शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहन करके दिल्ली की जनता के सामने साहेब तुर्कान के लिए सहयोग मांगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज साहेब को अपदस्थ कर दिया, उसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को अपना शासक चुना। कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने इतिहास में पहली बार रजिया सुल्तान को शासक बनाने के लिए और दिल्ली की जनता ने स्वयं निर्णय लिया, खुद निर्णय करके और रजिया को शासक बनाया और रजिया सुल्तान हिंदुस्तान में शासक बनने वाली पहली महिला शासिका का गौरव प्राप्त हुआ इसको। अब आगे की क्लास में हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार। आगे से आगे आप इसको जो स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले हैं उसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।